नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस 1 के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पिछला वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा और इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उन तीन पार्ट्स की सीरीज में से ये सेकंड पार्ट। इस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट आर द मेथड्स टू इंश्योर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज हरे प्लान, हेयर प्लान एंड व्हाट इज लिस्ट सिस्टम। ये एग्जामिनर्स के सबसे पसंदीदा दो शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि ये दोनों में आपको एक फार्मूला रटना होगा और फार्मूला के हिसाब से फार्मूला समझना होगा और फार्मूला के हिसाब से आपको सीट्स का एलोकेशन भी बताना होगा। ये मैंने आपको सैंपल बता दिया है, तो आपको एग्ज़ाम में अगर यही नंबर्स को रिफ्लेक्ट करना होगा तो आप यही नंबर्स कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से अलग अलग नंबर्स डाल सकते हैं। तो और ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। व्हाट आर द मेथड्स टू इंश्योर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हेयर प्लान और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और लिस्ट सिस्टम ये दोनों इसी के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग व्हाट इज़ हेयर प्लान और व्हाट इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड लिस्ट सिस्टम ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सिलेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स द कैंडिडेट्स हैव गॉट। अभी क्या होता है, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी इसके ज़्यादा MPs चुन के आते हैं, लेकिन कोई पार्टी एक MP, 10 MP ऐसे भी चुन के आ सकते हैं। तो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके कंपैरिजन में ये पार्टी तो माइनॉरिटी बोल देंगे। तो यही इसका बेस है, और सीट एलोकेशन के लिए इनके वोट्स और इनके चुने हुए कैंडिडेट्स ये भी मायने रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ हेयर प्लान और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अभी पहला सेंटेंस आपको डाल देना है, हेयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हेयर प्लान वॉज डेवलप बाय थॉमस हेयर, ही वॉज अ इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट। ये आपको दूसरा लाइन डाल देना है। थर्ड है, दिस मेथड इज मेनली यूजफुल इन मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हाईलाइट करना चाहिए था लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं किया है, आप एग्जाम में इसको हाईलाइट करना मत भूलना। Every voter has one vote and he has to vote it by giving preferences. ये भी important sentence है लेकिन इसको highlight करने की ज़रूरत नहीं है। In order to get selected, a candidate has to secure a quota. ये important statement है, और ये पाँचों के पाँचों statement आपको memorize करने हैं और याद से exam में लिखने हैं। अभी इसका फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देना और एग्ज़ाम में हो सके तो इसको एक स्क्वायर में डाल देना। हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार से, टोटल नंबर ऑफ वोट्स प्लस वन अपॉन नंबर ऑफ सीट वैकेंट प्लस वन इज इक्वल टू कोटा। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। सपोज एक 3 मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 4000 वोट्स अगर गिरे तो कोटा कैसे डिसाइड करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 4000, उसमें एक ऐड करेंगे बाद में। अभी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट कितने हैं, तो जितने मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी उतनी सीट वैकेंट। अभी 3 मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सो 4000 अपॉन 3 और उसमें प्लस 1 मिलाएंगे क्योंकि फार्मूला में भी प्लस 1 मिलाया है। सो 4000 अपॉन 3 प्लस 1, 4000 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कोटा। अभी 4000 अपॉन 4 कितना होता है, 4000 अपॉन 4 होता है 1000, 1000 प्लस 1 होता है 1001। देयरफॉर 1001 वोट अगर मिले तो उसको हम लोग कोटा बोलेंगे। इफ कैंडिडेट ए, सपोज हम लोग देखते हैं कैंडिडेट ए को 1401 वोट्स मिल गए, यानी कि कोटा से 400 वोट ज़्यादा मिल गए, तो उसको 2 सीटें मिल जाएंगी और बाकी के 400 वोट्स अगले कैंडिडेट को ट्रांसफ़र किए जाएंगे।
ये सिस्टम जो है स्विट्ज़रलैंड में, यूके में और इंडिया में जो राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट सिस्टम क्या है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। अभी पहला सेंटेंस आप ये डाल दीजिए, लिस्ट सिस्टम ऑपरेट्स इन मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एवरी वोटर हैज़ टू वोट अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको इसको हाईलाइट करके देना चाहिए, एग्जाम में आप इसको हाईलाइट करना मत भूलना। ईच पैनल हैज़ टू सिक्योर अ कोटा, द सीट्स आर एलोकेटेड एज पर द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पैनल। ये चारों के चारों सेंटेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, इसका फॉर्मूला एक्चुअली सेम है और देखते हैं। सपोज 10 मेंबर वाली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें 200,000 वोट्स डाले गए, सो कोटा डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो 200,000 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, सो 20,000 वोट्स का एक सीट के लिए कोटा रहेगा। अभी तीन पार्टीज़ है, ए बी सी, ये तीन पार्टीज़ है। सपोज पार्टी ए को 104,000 वोट्स अगर मिले, पार्टी बी को मिले 80,000 वोट्स और पार्टी सी को मिले 16,000 वोट्स यानी कि 16,000 वोट्स, तो सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। पार्टी ए को मिले थे 104,000 वोट्स, सो 104,000 डिवाइड बाय 20,000 मतलब 5 सीटें मिलेंगी पार्टी ए को। पार्टी बी को मिले थे 80,000 वोट्स, इसको हम लोग कोटा से डिवाइड कर देंगे, इसको मिलेंगी 4 सीटें। पार्टी सी ने लेकिन कोई कोटा के हिसाब से सीटें फुलफिल नहीं कर पाए, पार्टी सी को 16,000 वोट्स मिले थे, कोटा के लिए चाहिए 20,000 सीटें, 20,000 वोट्स, देयरफॉर पार्टी सी विल नॉट गेट 1 सीट, हाउएवर इट्स लीड विल बी ट्रांसफर्ड इनटू नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी 16,000 वोट तो जाया नहीं किए जाएंगे, देयरफॉर अगर साइड वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें पार्टी सी का जो कैंडिडेट है उसको 16,000 वोट्स की ऑटोमेटिक लीड मिल जाएगी। इसका मैंने, इस सेंटेंस का मतलब ये है। लेकिन एक सीट जो बची है, जो मेजॉरिटी पार्टी ए है वो जीत जाएगी। ये राज्यसभा सिस्टम का जो एलोकेशन वाला स्टाइल है वो लिस्ट सिस्टम टाइप होता है और ये मैंने आपको अभी समझा दिया। टू बी कंटिन्यूड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि और चार इसके छोटे छोटे टाइप्स है और वो आने बाकी है। हेंस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।